नहीं, उससे पहले से लूट लिया गया है। सही पंचायत लुटेर विरुद्ध इस जन के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडा राज के खिलाफ, इस गुंडा सरकार के खिलाफ, इस गुंडा पुलिस और बीडीओ के खिलाफ आप लोग पूरा पश्चिम वर्धमान में काम सा जो आप लोग वेतन मिलेगा 12,000 6,000 तो वहां पर खर्च होगा, इलेक्ट्रिक बिल, घर का भाड़ा, खाने के लिए, और 6,000 भेजेगा कक्षा में, 6,000 ताले कक्षा बजाने तो 4,000 टका खेलबे, बाकी 4,000 टका तो बाइने लग जे, बाइने दे से खेलबे, ताले कक्षा बजा तो दई देबे, यदि बिजनेसमैन गुलो चले जाए सरकारी बंद करे, ताले जे श्रमिक गुलो काज करছিল वो मजदूर सिर्फ बीजेपी इन लोगों का पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई है। ये सरकार फिर से झूठ बोलती है। कैसे बोला इस बार चुनाव के बाद कि हमें जैसे दाम में 200 टका कमी है दिया, बोलो ना क्या प्रचार को ढाकबाजी है, चारी दिखे हमें जैसे दाम कमी है दिला। हिंदी में कहावत है, जब चाय लगी फटने तब गैस लगी घटने, क्योंकि हम लोग इस चुनाव से पहले बोले थे कि जनता का पंचायत तैयार करना पड़ेगा, और जनता का पंचायत का मतलब है जनता जो चाहता है वही काम पंचायत में होगा, जो नेता चाहता है, जो सरकार चाहती है वो काम नहीं, जिस पंचायत में जो जनता है वो जो चाहती है वहीं पर वो काम होगा, इसीलिए जनता का पंचायत, इसलिए कौन जीता कौन हारा नहीं। पंकज दा बोले दिएछेन जरा जीतेছে তাদেরকে কি কাজ করতে হবে, যারা হেরেছে তাদেরকে কি কাজ করতে হবে। আর শুধু এই হারা জেতা এই দুজন না, एक दिन के लिए भी अगर किसी के घर में आप लोग गए और एक भी लीफलेट बांटे हैं, एक भी पोस्टर सटवाए हैं, एक भी दीवार लिखे हैं और एक रुपए भी चंदा दिए हैं या कलेक्ट किए हैं, और एक दिन भी अगर हम लोगों का मिचिल में मीटिंग में और दूसरों को ये बोले कि हसवा हथौड़ी तारा में वोट दीजिए, और एक बार भी चाय के दुकान में हो, ताश के अड्डे में हो, एक बार भी खुले दिल से आप लोग बोलिए, बोले हैं कि इस बार तृणमूल और भाजपा को हटाकर हसवा